विश्राम गृह में हरियाणा पब्लिसिटी के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने युवाओं की बैठक संबोधित की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में जो गड्ढे खोदे हैं, बीजेपी उन्हें भरने का काम कर रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा सभी वंचित तबकों को लाभ पहुंचाने के साथ सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे निभाने के लिए वह सवेरे 6 बजे से रात 11 बजे तक मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में आओ चले मनोहर सरकार अभियान चलाया गया है। इसी के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा। उनका लक्ष्य हरियाणा में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने का है। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम पर उन्होंने अनेक हिट गाने बनाए हैं। पिछले दिनों सोनिया का बच्चा अकल का कच्चा संसद में आंख मारे गाना बनाया था, जो कि सुपर हिट रहा था। इस गाने पर उनके ऊपर कई केस भी हुए थे, लेकिन वह सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटेंगे। अब इस गाने का नया वर्जन आया है, छुप छुप राहुल गांधी यारो खूब रोता है, सपने में दिखता मोदी ना वो सोता है। रॉकी मित्तल ने कहा कि मनोहर सरकार ईमानदार और पारदर्शी सरकार है, इसलिए मेरिट पर नौकरी लगानी शुरू किए गए हैं। इस सरकार में अधिकारियों द्वारा गफलत या गलती करने पर अब कार्यवाही होती है। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। हमने कार्यक्रम चलाया आओ चले मनोहर संघ, क्योंकि हमारी 200 से ज्यादा योजनाएं हैं जो सीएम मनोहर लाल जी ने बनाई हैं, और हमने मेरिट पे नौकरियां दी हैं, महिला सुरक्षा के इतने काम किए हैं, किसानों के लिए इतने काम किए हैं, युवाओं के सक्षम योजना में हमने 1,18,000 से ज्यादा युवाओं को काम दिया है, और 75,000 प्लस हमने मेरिट पे नौकरियां दी हैं। हर चीज को उसको आगे करना, जन जन तक पहुँचाना। मानो किसानों के लिए कोई चीज़ बनाई तो योजना को पता लगना चाहिए लास्ट किसान तक, ताकि उसका फायदा उठा सके। ऐसे गरीबों की 400 से ज़्यादा भी स्कीमें हैं, उनको पता लगना चाहिए कि हमारी इतनी स्कीमें हैं। युवाओं की स्कीमें हैं, अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसका पता होना चाहिए। अब हमारी जो लड़कियाँ हैं उनके लिए बसें भरी हैं, उनको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का जितनी भी योजनाएँ बनी हैं उनको जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए। कई बार विपक्ष के लोग हमला करते हैं, उनके ऊपर हमलावर होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई आप गलत कह रहे हो, आप पहले योजना पढ़ो। कई बार योजना को तोड़ मोड़ के पेश करता है विपक्ष, उनका कड़ा जवाब देने के लिए अब हमारी युवा टीम तैयार कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। आज 1 करोड़ प्लस लोगों को जोड़ने का इरादा है। जी, आप आज युवा को क्या गुर दिया आपने? मैंने युवा को यही गुर दिया कि आप पैनी निगाह रखिए, 5 की तरह पैनी निगाह रहनी चाहिए आपके विपक्ष के ऊपर भी, हमारे कामों के ऊपर भी। हमारे कामों को कैसे जनता तक लेके जाना है और विपक्ष के उल्टे सीधे जवाबों को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, इसी चीज़ के लिए हम 1 करोड़ प्लस लोगों का एक संगठन बना रहे हैं, ताकि पूरे हरियाणा में पूरे देश के अंदर पे और राम मंदिर पे। भाजपा ने 3 तलाक वाला भी काम किया, सीए वाला भी काम किया, सरजी स्ट्राइक वाला भी काम किया। 70 साल से 24-24 वकील कांग्रेस करती थी कि मंदिर नहीं भी बनना चाहिए, हमेशा हिंदू धर्म का सत्यानाश किया कांग्रेस आई ने। 70 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमेशा हिंदुओं को दबाने का काम किया, हमेशा 370 तो यूँ कहते थे जैसे पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, राम मंदिर का फैसला आएगा पता नहीं क्या तूफान आएगा, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक मच्छर तक नहीं लगा। इसका मतलब देश की जनता कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, मुसलमानों में भी ऐसी कोई भावना थी नहीं थी, 2-4 को ओबीसी जैसे 2-4 गद्दारों को छोड़कर, लेकिन ये कांग्रेस की खुद की नीति थी, फूट डालो राज करो। उनको पता था कि हिंदू तब को कमज़ोर करना, अरे ये हिंदू है ये दलित है, अरे दलित और हिंदू अलग थोड़ा है, वो एक है इसने, लेकिन हमारे को पार्टीशन करने के चक्कर में, हमारे को बर्बाद करने के चक्कर में, अब हिंदू जाग चुका है, पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का हिंदू जाग चुका है, और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब प्रियंका गांधी जी कहती फिर रही है कि कपाट तो मेरे पापा ने खुलवाई, फिर मंदिर क्यों नहीं बनाया भाई? धारा 370 किसने लगाई? जवाहरलाल नेहरू ने। हमेशा इनकी नीतियाँ गलत हुई है। 2 पार्टीशन किसने किए? पाकिस्तान को अलग किसने किया? बांग्लादेश को अलग किसने किया? कांग्रेस आई, हमेशा इसने हमारे जितने भी हिंदू भाई थे एक एक करके ख़त्म करने जा रहे थे, और उनके कहते फितरत रही है और अपने आप को बोलेगा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, जिसके दादा मुसलमान है, जिसकी माँ ईसाई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कश्मीरी पंडित कैसे बन गया। गाने जब 2012 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, मेरा गाना एक बड़ा पॉपुलर हुआ था, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नंबर वन हो इंडिया हमारा। फिर आई मोदी की आंधी, टेंशन में सोनिया गांधी, लूट लिया देश सोनिया दाई ने, वगैरह वगैरह मेरे काफ़ी गाने आए थे, 30-32 गाने आए थे और पूरे इंडिया में चलते थे। हरियाणा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, और सीएम मनोहर लाल के मैंने 10-12 गाने बनाए हैं, सारे हिट गाने बनाए हैं।
और अभी पिछले दिनों एक गाना बड़ा, जब उसने आँख मारी हो क्या है, मैं तो फुकरा ही बोलता हूँ उसको, पप्पू को, राहुल गांधी, तो उसके ऊपर मेरा गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, सोनिया का बच्चा कल का कच्चा, संसद में आँख मारे, फुकरा है राहुल गांधी यारो करता गंदे गंदे सारे। अभी उसका एक वर्जन हो रहा है, छुप छुप राहुल गांधी यारो खूब रोता है, सपने में दिखता मोदी नाबूस होता है, कोई गाना भी आ रहा है। पाक चीन से ज्यादा खतरनाक देश में कांग्रेस वाले, बांग्लादेशी रोहिंग्या के राहुल है रखवाले। अरे इन लोगों ने हिंदू धर्म का कोई मतलब नहीं, कोई देश से मतलब नहीं है, इनका तो मतलब है सत्ता, लूटपाट, CLU और लोगों की जमीनों को कब्जे करना, ये कांग्रेस का काम है और इससे ज्यादा कांग्रेस कुछ नहीं कर। PTI हमारे लगाए हुए नहीं है, ये सारे कांग्रेस के कुकर्म किए हुए हैं, भुगतने हमें पड़ रहे हैं। हमने ऐसे कोई काम नहीं किए, जिनकी बात करें वो भी कांग्रेसियों के हैं, कांग्रेसियों ने मेरिट पे तो कोई लगाया नहीं बच्चे, जो फर्स्ट डिवीजन लेता है जिसके 90% नंबर है, उससे भी ज़्यादा नंबर है वो तो रिक्शा चला रहा है, जिसके 40-45% नंबर है पैसे ले दे के वो नौकरी कर रहा है, बताओ यही तो काम था उनका, और इसीलिए झगड़े वो। ये खड्डे काफ़ी तो बंद कर दिए, काफ़ी बंद होने वाले हैं, तभी तो CM मनोहर लाल ने मेरिट पर नौकरी देनी शुरू की है, ताकि आने वाले टाइम में कोई रफड़ा ही ना पड़े। इनका तो वही काम ही रफड़ेगा था, रगड़ेगा था, हमारे से काम नहीं होते, हम तो ईमानदार सरकार है मनोहर लाल की और साफ सुथरे काम करते हैं। अब तो बदलियाँ भी ऑनलाइन होती हैं, वो तो बदलियों में पैसे खाते थे, भर्तियों में पैसे खाते थे, उनका तो बिना पैसे तो भाई साहब कुछ काम ही नहीं होता था, सबेरे भाई साहब मुँह भी पैसों से साफ करते थे, उनका तो कुछ काम कुछ नहीं कह सकता। वो तो मैं इतने कहूँगा, कांग्रेस को वोट देना, उनका पक्ष लेना एक देशद्रोही जैसा है, उन लोगों ने इतना देश को लुटा है, 6 साल में कहाँ सज़ा मिल गई उनको, तो 100 साल तक भी सज़ा मिले वो भी कम है मेरे भाई, उनको उन्होंने बहुत गलत काम किए हिंदुस्तान के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.